अस्सलामुअलैकुम माजद मुमरान, मेरा नाम सुल्तान मोहम्मद है। मैं B17 का रिहायशी हूँ। मैं फेडरल गवर्नमेंट से एडिशनल सेक्रेटरी रिटायर्ड हूँ। मल्टी मैनेजमेंट के इंतखाबात में मैं मल्टी फाउंडर्स ग्रुप की तरफ से एग्जेक्टिव मेंबर का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अब जी ये मैं आपको बताऊँ कि फ्यूचर में हमारे क्या प्रोग्राम्स हैं। अब चूंकि मैं बजात खुद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ मल्टी मैनेजमेंट कमेटी के मल्टी फाउंडर ग्रुप की तरफ से एग्जेक्टिव मेंबर का, तो इन फ्यूचर आप लोगों ने तहवन किया, हमें वोट दे के मेरे पैनल को कामयाब किया, तो इंशाल्लाह हमारा आपसे वादा है कि विद इन 6 महीने जितने भी नॉन पोजिशन प्लाट्स हैं, हाँ वो ए में, बी में, सी में, डी में, जहाँ भी हैं, इसको हम इंशाल्लाह क्लियर करके आपको देंगे। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन जो कमी बेशी रह गई है, फेंसिंग करनी है सिक्योरिटी के लिए, ये जो जानवर माल मवेशी इधर उधर से आ जाते हैं इनको रोकने के लिए फेंसिंग करनी है, ये हम कराएंगे। सिक्योरिटी के जो हैं वो टावर्स, वो एक दो तामीर हमने करवा भी दिए हैं और भी इंशाल्लाह करवाएंगे। इनकी गाड़ियों की तादाद में इजाफा करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं इस वक्त इनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। 20,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला बंदा आपके लिए जान कुर्बान नहीं कर सकता। हमारी सबसे पहली कोशिश ये होगी कि अगर हम इक्तदार में आते हैं तो हम हर एक सिक्योरिटी गार्ड की कम अज़ कम 30 लाख की इंश्योरेंस करेंगे, ताकि खुदा न खास्ता उसके साथ कोई इंसिडेंट हो जाए तो वो उसके बच्चे जो हैं वो फिर फाको ना मरे या उनको कोई तकलीफ ना हो। RLG का इशू बिल्कुल है जनाब अली, इसमें ई ब्लॉक में है, डी में है, एफ में है, C1 में है, इसको इंशाल्लाह हम आगे लेके जाएंगे, और अल्लाह के फजल से हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपने रिहायशियों को इस RLG के टैरिफ के अजाब से निजात दिलाएं। सोसाइटी में इंटरनल ट्रांसपोर्ट की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है। बच्चे ख्वातीन Gate 1 से 2 से एंटर होते हैं, F और G बिला तक जाते हैं, बड़ा लंबा फासला है। इंशाल्लाह हम आते हैं इक्तदार में तो सबसे पहला काम ये होगा कि यहाँ इंटरनल ट्रांसपोर्ट का हम बंदोबस्त करेंगे, ताकि हमारे रिहायशी आराम से सुबह अपने घरों से निकल के दफातर में आएँ और शाम को आराम से वापस जाएँ। एक चीज़ में और ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में अर्ज़ करता चलूँ, 2 साल पहले चेयरमैन CDA ने कहा था कि जी हम इस्लामाबाद से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं और जो एंड करेगी आके तरनौल के ऊपर, तो वो जब मुझे पता चला तो मैं जाके उनसे मिला, उन जो तार शहबाज साहब थे, अल्लाह उनकी मफ़रत करे, फौत हो गए हैं, तो उनको मैंने कहा मोहतरम ये तरनौल से आगे भी दुनिया आबाद है और सारी आबादी तो इस तरफ है, इसको आप एक्सटेंड करें अप टू B17। तो अल्लाह के फजल से जी वो हो गया, और अब कुछ दिन पहले आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि उन्होंने बसें भी मंजूर कर ली हैं, और अब जो मुझे बताया गया है कि 21 या 22 अगस्त को या 23 अगस्त है वो बसें यहाँ B17 से चलनी शुरू हो जाएंगी तरनौल तक, और तरनौल से आगे अप टू रावलपिंडी इस्लामाबाद दूसरी बसें चल रही होंगी। तो ये भी अल्लाह ताला का फजल है आपके ऊपर, और ये भी रेजिडेंट वेलफेयर कमेटी फाउंडर का ही एक तोहफा है B17 के रिहायशियों को। ओवरहेड ब्रिज Gate 1 और 2 के दरमियान वक्त की अशद ज़रूरत है, इंशाल्लाह इसको हम तामीर करवाएंगे, अपने सोर्सेस से करें या NHS से कराएं, जैसे भी कराएं इसको हम कराएंगे इंशाल्लाह। फिल्ट्रेशन प्लांट पानी के C1 में अशद ज़रूरत है, इसकी D में ज़रूरत है, F में ज़रूरत है, ये इंशाल्लाह हम पहली फुर्सत में लगवाएंगे इसको। स्ट्रीट लाइट्स C ब्लॉक में, D में, EF में इंशाल्लाह इनकी इम्प्रूवमेंट कराएंगे, ताकि इसमें किसी किस्म कोई फला ना हो। पार्क की इम्प्रूवमेंट कराएंगे इंशाल्लाह, फायर ब्रिगेड के लिए गाड़ियां लेके देंगे, और मैयत को जना अपना कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए अभी कोई गाड़ी नहीं है, एम्बुलेंस इस्तेमाल हो रही है, उसके लिए हम इंशाल्लाह डेडिकेटेड गाड़ी का बंदोबस्त करेंगे, वो देंगे लोगों को। जो चौक हैं, चौकों में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हम इंशाल्लाह ट्रैफिक सिग्नल इंस्टॉल कराएंगे। F ब्लॉक में इंशाल्लाह प्ले ग्राउंड को हम तामीर कराएंगे, और G ब्लॉक का जो जनाजागाह अब अपना जो कब्रिस्तान है उसके साथ जनाजागाह तामीर कराएंगे, ताकि लोग इधर उधर जनाजे करवाने के बजाय वहाँ कलेक्टिवली जनाजागाह में अपना जनाजा ले कर जाएँ और उनकी तकफीन करें।
ख्वातीन के लिए मल्टीपर्पज ग्राउंड तामीर करेंगे इंशाल्लाह, जहां वो अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज खेल कूद जो भी करना चाहें वो उसमें करेंगी। इसी तरीके से जी ये जो चक्री रोड पे मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का फेज टू लॉन्च हुआ है, इसमें हमारी कोशिश होगी कि इसके ऊपर हम बर वक्त काम शुरू कराएं और बर वक्त इसको मुकम्मल करके लोगों के हवाले किया जाए। सिक्योरिटी कैमराज जहां जरूरत है वहां मजीद लगाए जाएंगे, बहुत सी तादाद लग चुकी है, जहां कमी है उसको भी इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। रियल एस्टेट के हमारे भाइयों के लिए हम इंशाल्लाह एक सेपरेट विंग कायम करेंगे जो सिर्फ रियल एस्टेट के इश्यूज को देखेगा और इनको इंशाल्लाह हम साथ लेके चलेंगे। ये हमारे भाई हैं, ये हमसे जुदा नहीं है, मल्टी की शान इन्हीं की वजह से है, हम भी आज इन्हीं की वजह से यहाँ बैठे हैं। तो रियल एस्टेट और रेजिडेंट्स दोनों एक ही जिस्म के दो हाथ हैं, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो इंशाल्लाह मिलजुल के हमारी कोशिश होगी कि हम अपने इस घर को, अपनी इस सोसाइटी को, अपने इस B17 को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से हम किनार करें और कोशिश करें कि यहाँ रिहायशियों को मैक्सिमम फैसिलिटी बने, ताकि ये B17 जो है ये एक मॉडल बने और इसको एक मॉडल के तौर के ऊपर ये इस्लामाबाद पिंडी में जाना जाए और हर बंदे की ख्वाहिश हो कि मेरा घर B17 में होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।